आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। राज्य सरकार के कोशिशों के बावजूद भी मजदूर अपनी मंजिल खुद तय करने में लगे हैं। 6 मजदूर बाइक से ही छत्तीसगढ़ से चल दिए मुर्शिदाबाद के लिए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देख देश में लॉकडाउन 3 लागू कर दिया गया, जिसकी सीमा बढ़कर अब 17 मई तक कर दी गई। इसे लेकर दूसरे राज्य में काम कर रहे मजदूरों का धैर्य अब टूटता जा रहा है और अब किसी भी तरह मजदूर अपने अपने घर पहुंचना चाहते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त हो गया है। हर चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया, ताकि कोई भी अनावश्यक रूप से एक जिला से दूसरे जिला या दूसरे राज्य में आवागमन ना कर सके। इसी क्रम में शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर ASI अशोक मंडल वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान 6 बाइक एक साथ रणधीर वर्मा चौक पार कर रहे थे, तभी अशोक मंडल की नजर उन लोगों पर पड़ी। अशोक मंडल ने सभी गाड़ी को रुकने का आदेश दिया और उस पर सवार सभी 6 लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सभी युवकों ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ में मजदूरी का काम करते हैं। लॉकडाउन के कारण काम बंद है, जिसके कारण 2 वक्त की रोटी पर भी आफत आ गई है। इसी वजह से सभी 6 मजदूर छत्तीसगढ़ से मुर्शिदाबाद अपने घर जा रहे थे, ताकि अपने घर में अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी खा सके। ASI ने सभी मजदूरों से पूछा, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जांच कराए हो तो कुछ प्रमाण दिखाओ। मजदूरों ने कहा, जांच तो कराया हूं पर कोई प्रमाण नहीं है। यह बात सुन ASI ने सभी मजदूरों को धनबाद के सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने सभी 6 मजदूरों का स्क्रीनिंग किया और हाथों में मोहर लगाकर 14 दिनों के लिए अपने घर में क्वारंटाइन रहने को बोलकर अस्पताल से छोड़ दिया। अस्पताल से वापस आने के बाद सभी 6 मजदूर अपने घर के लिए निकल पड़े। अब सवाल यह उठता है कि ये सभी 6 मजदूर बॉर्डर सील होने के बावजूद छत्तीसगढ़ से धनबाद कैसे पहुंच गए। साथ ही अगर बॉर्डर पार कर गए तो हर जिले में कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं और सभी चेक पोस्ट पर दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बावजूद इसके बिना जांच के ये सभी मजदूर छत्तीसगढ़ से धनबाद आ गए। क्या ये चूक जिला प्रशासन को भारी पड़ सकती है? धनबाद से अजीत कुमार की रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे हो? छत्तीसगढ़। इधर कहाँ जाना है? मुर्शिदाबाद जाना है मेरा कार। किस चीज से आ रहे हो वहाँ से? बाइक से। बाइक से आ रहे हो? हाँ। वहाँ पर ये इलाज करा, क्वारंटाइन में इलाज किया था, क्वारंटाइन 14 दिन 15 दिन रखा था। वहाँ ब्लड टेस्ट भी किया है, वो सर्टिफिकेट नहीं दिया है। फिर इधर भटक भटक आ रहा है, वो लोग बॉर्डर तक छोड़ दिया है, फिर इधर ऐसे करके आ रही हो, यहाँ पे पकड़ा पुलिस में। फिर वो साई मुर्मू बोले को हॉस्पिटल चेक करो, फिर चेक करके ये दिया है, हाथ में स्टम मार दिया है, पर्चा दे दिया, अभी सिस्टम में जा पाऊंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? छत्तीसगढ़। वहाँ पर कुछ क्वारंटाइन वगैरह कराए थे, वहाँ इलाज रखा था 15-20 दिन स्कूल में। स्कूल में रखा था? स्कूल में रखा था। उसके बाद पुलिस लोग झारखंड बॉर्डर पहुँच दिया था। उसके बाद आ रहा हूँ, हजारों पुलिस पकड़ा है, मिलिट्री ऐसे समस्या बताया, हम लोग छोड़ा है। अभी कहाँ जा रहे इधर? अभी मुर्शिदाबाद लालगला थाना है। मुर्शिदाबाद लालगला थाना, मुर्शिदाबाद। इसी गाड़ी से आ गए? गाड़ी से आया। ये नया खर... कोई उपाय नहीं है तो कैसे करेंगे? नया गाड़ी है ये 1 साल हो गया, पुराना खरीदा हूँ। क्या करते थे वहाँ? वो बर्तन वर्तन बेच रहा था। लोग पकड़े गए, ये कौन लोग थे, कहाँ से आ रहे थे? छत्तीसगढ़ से आ रहे थे, छत्तीसगढ़ से आ रहे थे, और मुर्शिदाबाद के लिए जाने के जो राज्यों के बाइक रोके, पूछताछ किए, पूछताछ के क्रम में उनको पता चला कि नहीं कहीं लोग को जांच नहीं हुआ, तो यहाँ पर आकर सदर अस्पताल में जांच करवा दिया गया। डॉक्टर साहब के आदेशानुसार जो लिख के दिए थे, इनको बड़ा भी छोड़ दिया जाए अपना। ये लोग अब मुर्शिदाबाद के लिए जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद के लिए।